मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं 58 साल का हूँ। मैं कृष्णनगर दिल्ली से आया हूँ। मुझे कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, करीब 1.5 साल से है। आंखों में धुंधला सा दिखता था। पहले तो जाला था, फिर उसके बाद जाला तो हट गया, लेकिन फिर मैंने टेस्ट कराया तो आई टेस्ट कराया तो उन्होंने देखा कि वो फोकस नहीं बन रहा था, क्योंकि जो उन्होंने लेंस डाले तो उस लेंस से वो डायग्नोज नहीं हुआ कि कोई नंबर आपको सुटेबल है, उसमें भी साफ नहीं दिख रहा था। तब उन्होंने रेफर किया कि इसको आप कैटरेक्ट एक बार ऊपर टेस्ट कराइए। तो जब ऊपर टेस्ट कराया तो उसमें उन्होंने कैटरेक्ट मशीन में जब चेक किया तो वहाँ पे डायग्नोज हुआ कि मुझको कैटरेक्ट है। मेरे को जो दिक्कत होती है कि धुंधला दिखता है। क्या होता है, कई बार जब मैं कंप्यूटर पे, मेरा सारा काम कंप्यूटर पे है, तो जब मैं कंप्यूटर पे देखता हूँ तो जो उसका रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन से वो जो वर्ड है वो क्लियर नज़र नहीं आते। 6 फिगर लगते, कई बार 8 लगता है, 5-9 लगता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। तो उसको मैं फिर थोड़ा बड़ा करता हूँ, तब जाके वो नज़र आते थे मेरे को, और इस बिल्कुल स्पष्ट नज़र नहीं आते थे, पढ़ने में दिक्कत आती थी। फिर मुझको ज़्यादातर बुक्स में नहीं पढ़ पाता था, तो मैं ज़्यादातर गूगल में ही पढ़ पाता था। गूगल में जाके साइट को, उस साइट को खोल के फिर वहाँ से उस सेक्शन को पढ़ता था और वहाँ से मुझे क्लियर होता था। क्या होता है कि बुक्स की जो थोड़ी सी अगर सही ढंग से लिखी होती थी बुक, तो वो तो मैं बुक्स पढ़ लेता, लेकिन जो आजकल नॉर्मल लैंग्वेज में, जो नॉर्मल अक्षर शब्दों में लिखा होता है, तो उसको पढ़ने में दिक्कत आता था, थोड़ा स्ट्रेस से पढ़ना पड़ता था। जैसे हम इनसाइड चले गए पार्टी के अंदर, तो वहाँ पे तो कोई इतना महसूस नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे इतना रिफ्लेक्शन नहीं होता था। लेकिन जैसे बाहर हम आते थे, बाहर जैसे आए लाइट में, सनलाइट में आए, तो फिर वहाँ पे फेस दिखना, सामने वाले का फेस, एक डिस्टेंस का फेस भी नहीं दिख रहा था। आप कोई ये आता था कि यहाँ कोई पर्सन आ रहा है, लेकिन फेस नहीं पहचान पाते। जब वो पास में आता है तब पहचानते थे कि ये पर्सन है। प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, तो फिर अब डिसाइड किया कि इसका ऑपरेशन नहीं कराया जाए। तो डॉक्टर ने कहा था कि भाई आप करा लीजिए। जब यहाँ पर टेस्ट होता है तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही होता है कि आपका पहले लेंस चेक होता है, आईज का लेंस चेक होता है कि आपकी लेंस से आपको पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है, या किसी लेंस से आप पढ़ सकते हैं नहीं सकते। वो पूरा टेस्ट करने के बाद उनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये लेंस में प्रॉब्लम है, ये लेंस से नहीं पढ़ पाते, तब वो आगे रेफर करते हैं कि ये कैटरेक्ट का पूरा इलाज किया, उसका टेस्ट किया जाए। कैटरेक्ट का पूरा टेस्ट होने के बाद फिर वो डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर ने उसको पूरा, उन्होंने हमें समझाया कैसे ये कैसे इम्पैक्ट करता है। और जब जो जो हमारी क्वेरी थी, जैसे मैं कहता था कि मेरे को कमरे में साफ दिखता है पर कई बार धुंधला दिखता है जब मैं बाहर, तो उन्होंने ये बताया कि यही कैटरेक्ट है। देखो सर जी, से वैसे डर तो लगता ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी है कि हमने कराया, और बड़ी सर्जरी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सर्जरी है, माइनर सर्जरी है इसमें, इसलिए वरी होने की बात नहीं है। डॉक्टर ने पूरा हमको पूरा गाइड किया, जो कंसल्टेंट है, काउंसलिंग जो उन्होंने की है, आराम से सारा डॉक्टर हैं जो ये पूरा देखते हैं कैटरेक्ट का, जो लास्ट में भी पूरा फोटो से भी दिखाया उन्होंने कि ये एंटीना होता है, ये हमारा उस तो पूरा जो पूरा उन्होंने फोटो दिखाया कि यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, आपके लेंस में प्रॉब्लम है, बाकी आपका सब ठीक है, तो इसलिए कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो सकता है। राइट आई का ऑपरेशन हुआ है सैटरडे को, जो कि डॉक्टर संजय चौधरी जी ने किया, और वो बिल्कुल टोटल इनका जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इन्होंने किया, जो मेरे को पहली बार करा, फिर लगा जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी जिस तरह की, तो उससे मुझे लगा कि काफ़ी टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया हुआ है। बैठिएगा सर। हटा लीजिए ग्लास। 07-473-2407 07-3-425
453-7025-750-3247. Very nice. देखेगा. Him force said that when ये वाला head of large military force ये वाला Yamuna according to popular legend 15 मिनट का ऑपरेशन था. उन्होंने पूरा उसमें सारा चेकअप किया बिफोर ऑपरेशन से पहले कि भी बीपी ब्लड शुगर तो वो सब चेक करने के बाद उन्होंने जब फाइनली परसों का टाइम दिया था और वहाँ उन्होंने ऑपरेशन किया. नहीं सर्जरी का मैं बहुत टेक केयर आराम से उन्होंने किया. टेंशन महसूस नहीं हुई कभी बीच के अंदर भी हमको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं. बस वो बार बार यही कहते बस 15 मिनट का ऑपरेशन है. बल्कि उन्होंने जैसे ही पूछा कि आपका नाम क्या है, मैंने कहा मेरा नाम संजय है, तो कहते हम तो दोनों सेम नेम के हैं. तो ऐसे करके उन्होंने थोड़ा लाइट मूड बनाया और फिर ऑपरेशन करते रहे. कोई ऐसा बीच में सर्जरी के टाइम पे ऐसा कभी नहीं लगा कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है. स्टार्टिंग से जब मैं पहले मिला था तब भी उन्होंने कहा था कोई सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं आती और सेम माहौल तब ऑपरेशन से पहले ही बना रहा. ऑपरेशन के बाद तो फिर ठीक ही है. और उसके बाद जब होने के बाद उन्होंने बोला कि बिल्कुल परफेक्ट हो गई है और मेरे को विज़न काफ़ी साफ दिख रहा है. फैमिली तो काफ़ी खुश है क्योंकि वो तो काफ़ी वो तो कह ही रहे थे कि ऑपरेशन करा लो. मैं ही थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन मैंने डिले कर दिया था. जब मैंने उनको बताया था जब उन्होंने एक बार मैंने दिसंबर में दिखाया था तो दिसंबर से ही वो थे मेरे पीछे कि भाई वो करा लीजिए. तो थोड़ा मेरा ऑफिस का काम के कारण मैं थोड़ा डिले करता गया. तो जैसे करा लिया सर्जरी तो दे आर वेली सब खुश हो गए. उन्होंने क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे फादर ने भी यहाँ से ही कराया था और मेरी भाभी जी भाई साहब मेरी बिटिया ने भी अपना जो आँखों का जो चश्मा है वो भी उतरवाया था वो पर यहाँ से नहीं लाजपत नगर से आया था. हमारी तो पूरी फैमिली करती आ रही थी. मैं तो कहूँगा कि सही होता है उनका. और सबके जो मेरे फादर की भी आज 10-12 साल हो गए हैं कोई उनको बिना चश्मे से वो आज भी देख सकते हैं और काम कर रहे हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, सुबह सारा काम करते हैं. तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनका ऑपरेशन बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा. ऐसे ही मेरे भाई साहब का हुआ था, उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं आई ऑपरेशन के बाद. और मेरी भाभी जी का भी रहा, उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. और मैं भी कराई है तो मैं भी पूरी एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी. थैंक यू i7, थैंक यू संजय चौधरी जी, आपने हमारा ऑपरेशन किया. इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू i7.